नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं, कान पर दिखाई देने लगे अगर आपके बाल तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये बहुत ही गहरा संकेत देता है। जी हाँ मित्रों, इस सृष्टि में कुछ भी होता है उसका संकेत हमें पहले ही मिल जाता है। इसी तरह से अगर हमारे शरीर में कोई भी अंग पर कुछ तिल मस्सा, उंगलियों के नाखूनों का सफ़ेद होना, कान पर बाल का होना या फिर सीने पर बाल का होना, ये संकेत होते हैं, किसी न किसी रूप में माने जाते हैं कि इसका कुछ न कुछ कारण होगा। इन सभी का कोई न कोई रीजन होता है। जी हाँ, तो इस संबंध में हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए पता नहीं होता है कि आखिर इसके क्या मायने हैं। पर आज हम आपको कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं जिससे आप जान करके हैरान हो सकते हैं। जी हाँ, अक्सर हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके कानों पर बाल होते हैं। कानों के बाल कुछ लोगों के हल्के फुल्के होते हैं, जबकि कई लोगों के कानों पर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वास्तव में कानों के बाल किसी को नहीं सुहाते हैं, ये खुद को तो बुरे लगते ही हैं, देखने वाले को भी ठीक नहीं लगते हैं। मतलब ये पूरी शक्ल सूरत को बिगाड़ करके रख देते हैं। यहाँ एक संदेह हम सभी के मन में आता है कि सभी के कानों पर बाल तो नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों के कानों पर बाल होते हैं, यानी कि यह सामान्य इंसानी स्थिति नहीं है, नहीं तो सभी के कानों पर अवश्य होता। बिल्कुल सही है, कानों पर बाल आने की समस्या कुछ ही लोगों में होती है। प्राचीन समय में इसे एक आनुवांशिक समस्या के तौर पर देखा जाता था, और आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि कानों पर बाल की समस्या अक्सर पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही जुड़ी हुई होती है। हालांकि नवीनतम शोध में यह बात भी हमारे सामने आ चुकी है कि कानों पर बाल का आना सिर्फ आनुवांशिक ही नहीं हो सकता है। जिन लोगों के कान पर बाल हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनके पिताजी के कानों पर भी बाल होंगे ही होंगे। अत्यधिक धूम्रपान, शराब के सेवन और शरीर में किसी रोग के कारणवश होने वाले हार्मोनल परिवर्तन की वजह से भी आपके कानों पर बाल हो सकते हैं। हालिया दौर में एक शोध के अनुसार सबसे ज्यादा कानों पर बाल आने की समस्या सिगरेट का धुआं खींचने वाले लोगों में दिखाई दे रही है। अर्थात आप भी धूम्रपान की आदतों से मजबूर हैं तो इस समस्या के शिकार हो सकते हैं। कारण जो भी हो, कानों पर बाल आना आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को कम करता है। कुछ लोगों के कानों में इतनी ज्यादा मात्रा में बाल होते हैं कि सबसे पहले नजर कानों के बालों पर ही जाती है। तो आइए आज आपके कानों के बाल के बारे में जानकारी को जानते हैं, और जानते हैं कि कानों के बाल के बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। जी हाँ, कानों पर अनचाहे बालों का होना सिर्फ सौंदर्य से जुड़ी हुई समस्या है या इससे अन्य परेशानियां या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में विज्ञान का क्या दृष्टिकोण है ये भी हम सभी ने जाना। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र, सबसे पहले ये जानते हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के कानों पर बाल होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बेहद चतुर होते हैं। यह हर स्थिति में अपना काम किसी तरह से निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनका काम बनने के लिए दूसरों का काम बने या बिगड़े। साथ ही ऐसे लोग बेहद घमंडी और स्वार्थी भी होते हैं। दूसरों का हक छीन करके खा लेना की नियत होती है। यही कारण है कि राजनीति में भी इनकी बेहतर संभावनाएं होती हैं। लोगों को बरगला करके अपना काम निकालना इन्हें बखूबी आता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग बेहद व्यवहार कुशल भी माने जाते हैं। अपना काम निकालने के लिए ये लोगों से काफी मीठा व्यवहार रखते हैं, लेकिन काम निकलने के बाद इनके व्यवहार का पैमाना बदल जाता है। अब विज्ञान की दृष्टिकोण क्या है इस मामले में ये जानते हैं। जो कि आप सभी ने सुना, ये तो ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग था, लेकिन जब हम कानों के बाल के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करते हैं तो एक ऐसी खबर है जो ऐसे लोगों की नींद उड़ा सकती है। जी हाँ, एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं, ऐसे लोग हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। इस भयानक बीमारी की वजह से कभी कभी उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इस शोध की रिपोर्ट की माने तो कानों के बाल और हार्ट अटैक में काफी गहरा संबंध होता है। यह खबर वाकई जिन लोगों के कानों पर बाल हैं उन्हें विचलित करने वाली है। अब तक जिस समस्या को लोग शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल उगने जैसी बात मान करके बैठ जाते थे, अगर वह हृदय से संबंधित बीमारियों की पहचान है तो वाकई सोच और मानसिकता को बदल करके रख देने वाली बात है। ऐसे लोगों के ऊपर हृदय गति रुक जाने का खतरा भी होता है, यह भी अत्यंत भयावह होता है। जी हाँ, तो आप सावधान हो जाइए इस स्थिति के लिए।
इस झटका देने वाली खबर के बाद अगर आपके भी कानों पर बाल आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल सावधान होने की आवश्यकता है। इस तरह से कानों पर बाल का आना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसे यूं ही शरीर के अन्य अंगों पर बाल उगने की तरफ बिल्कुल न लें। यह लापरवाही आपके लिए बड़ी मुश्किल की वजह बन सकती है। विशेष करके हृदय गति का रुक जाना वह अवस्था है जिसमें रोगी के पास बिल्कुल समय नहीं होता है, सिर्फ कुछ पल में इलाज की आवश्यकता होती है। अगर क्षणिक मात्रा में इलाज नहीं पहुंच सका तो अप्रिय घटना घट जाती है। जी हाँ, तत्काल अपने डॉक्टर से ऐसी स्थिति में आपको संपर्क करना चाहिए। अगर आपके कानों पर भी बाल उग रहे हैं या दिखने लग रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें, उन्हें अपनी चिंताओं और शोध के बारे में जानकारी दें। उसके बाद नियमित रूप से अपने हृदय संबंधी जांच कराते रहें। हृदय रोग की समस्याओं का सूत्र ब्लड प्रेशर से भी काफी जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी प्रकार के लक्षण हों तो तत्काल उपचार के लिए आवश्यक दवाई ले लें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। अगर लक्षण न हों फिर भी कम से कम 6 महीने के अंतराल पर नियमित रूप से चेकअप जरूर कराएं। दुर्घटना से सावधानी भली। साथ ही अगर आपके परिवार में या दोस्त में किसी को भी यह समस्या है तो बिल्कुल भी इस बात का इंतजार न करें कि वो जब सुनेंगे या जानेंगे तब जाएंगे डॉक्टर के पास, आप उन्हें बता भी सकते हैं। तो इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप ही इस बारे में उनको जानकारी दे दें और नियमित रूप से चेकअप की सलाह दे दें। जी हाँ, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराना इसीलिए जरूरी हो जाता है। हृदय रोगी की समस्या ब्लड प्रेशर से भी काफी हद तक जुड़ी हुई होती है, इसीलिए नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर भी जांच कराते रहें। ब्लड प्रेशर न ज्यादा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए, यह हर स्थिति में संतुलन में होना चाहिए। जो भी स्थिति हो उसके अनुसार आप डॉक्टर से दवाइयां ले लें। दवाइयों के साथ ही खान पान में परहेज रखें और ऐसे खाद्य पदार्थ न लें जिसकी वजह से रक्तचाप अनियमित हो जाए। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ दें। जी हां, अगर आप अधिक मात्रा में धूम्रपान के आदि हैं तो अभी से सिगरेट को हाथ न लगाने का प्रण लें। सिगरेट कानों पर बाल आने की प्रमुख वजह माना जाता है। वैसे भी सिगरेट के धुएं का सर्वाधिक असर फेफड़े और हृदय पर ही पड़ता है। धूम्रपान सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है, इसमें कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको खुद के स्वास्थ्य और परिवार के भविष्य की तनिक भी चिंता है तो बिना किसी हिचक के सिगरेट से नाता तोड़ें, अन्यथा जिंदगी किसी दिन आपसे रूठ करके नाता तोड़ लेगी। जी हाँ, अब तक यह कानों की समस्या को सिर्फ शारीरिक बनावट और आकर्षण में गिरावट के रूप में मानते आए हैं, लेकिन इसे लेकर के अब से बेहद सजग हो जाने की जरूरत है क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।